देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नीम का थाना क्षेत्र में दो दिन पहले गुटखा व्यापारी सुभाष अग्रवाल से मारपीट व लूटपाट के मामले में नीम का थाना संपूर्ण क्षेत्र बंद रहा। सिर्फ सब्जी मंडी को छोड़कर संपूर्ण नीम का थाना की दुकानें, व्यापार मंडल, फुटपाथ व्यापार मंडल सब बंद रहा और व्यापारी के साथ मारपीट व पिछली गोलीकांड घटना को लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन व क्षेत्र के लोगों में काफ़ी आक्रोश था। और अग्रवाल बंधु विधायक व अग्रवाल समाज के लोगों ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज नीम का थाना में सारे व्यापारियों ने काम बंद किया है और पूरी मंडी बंद है। निश्चित तौर पे व्यापारियों की मांग जायज है, बार बार घटनाएं यहाँ पे हो रही है और उन घटनाओं का खुलासा नहीं हो रहा, इसलिए व्यापारियों में जो रोष है वो व्याप्त होना जायज है। इस तरह की घटनाएं अगर वो खोली नहीं जाती हैं तो उससे इन घटनाओं में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और अपराधी बार बार फिर उसी घटना को करते हैं। मैंने उच्च अधिकारियों के एसपी साहब से बात करी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम स्पेशल टीम लगा रहे हैं और जल्दी इसका खुलासा करें। मैं सुभाष मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष पवन माधोगढ़ बोल रहा हूँ। हमारे नीम का थाना में परसों 25 तारीख को एक व्यापारी के साथ मारपीट कर वो दुकान से घर जा रहा था। उस टाइम कुछ सामाजिक तत्वों ने मारपीट कर और उनके हाथ में जो बैग था वो छीन के ले गए और उसके फ्रैक्चर हो गया, वो हॉस्पिटलाइज है। इसके एवज में हमारा पूरा नीम का थाना व्यापार महासंघ की तरफ से कंप्लीट नीम का थाना आज बंद है और पूरा सफल है। हमें प्रशासन के पास भी गए थे और हमारे विधायक साहब भी आए हैं, एसपी साहब से भी बात करी है, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है, 7 दिन में हम इस घटना की पूरी वो आपके सामने खुलासा कर देंगे। ये एसपी साहब ने हमारे को फ़ोन पे बात कही है। हमारा नीम का थाना शांतिप्रिय इलाका है, यहाँ पे इस तरह की घटना पहले भी इस व्यापारी के साथ 3 बार पहले भी हो चुकी है और अभी थोड़े दिन पहले सुभाष मंडी में भी गोलीकांड की घटना हुई थी, उसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। पूरे व्यापारियों में रोष है, व्यापारी ये चाहता है कि हम सुरक्षित रहें, इसके लिए आज पूरा नीम का थाना बंद है जो पूर्णतया सफल है। ना होगा तो हमने उनको कह दिया कि आगे हमारा आंदोलन 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन बाद हम आंदोलन की रूपरेखा वापस तैयार करेंगे और उस हिसाब से हम आगे चलेंगे।